मैं रघुल लाल जी को बुलाने के पहले चाहूंगा कि आप सब लोग जरा जोरदार नजारे लगाएंगे हमारा शानदार कैसा हो, जोर से लगाओ, दिल्ली तक आवाज आनी चाहिए, हमारा शानदार कैसा हो। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैं माननीय नकुल नाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि वे कृपया आए और हमको संबोधित करें। छिंदवाड़ा के नामांकन रैली में मंच पर उपस्थित आप सबके लोकप्रिय नेता, आपके विधानसभा के प्रत्याशी, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पिताजी, आपके पूर्व सांसद आदरणीय मम्मी जी, मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री सुखदेव पांसे जी, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंडित जी नी जनरल गंगा प्रसाद तिवारी जी, मंच पर उपस्थित हमारे छिंदवाड़ा जिले के सातों विधायक और कांग्रेस के नेतागण और मेरे सामने मेरे और मेरे परिवार का पहला प्यार हमारे छिंदवाड़ा के वासियों, आप सबको याद होगा मैंने कहा था कि जिस दिन मैं कुर्ता पजामा पहन लूंगा, आप समझ लेना कि मैं आपका लोकसभा का प्रत्याशी बन गया हूं। और मुझे बहुत खुशी है आप सबको ये बताने कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने छिंदवाड़ा सांसदीय क्षेत्र का नामांकन पर्चा भरा है। साथियों, मेरा और आप सब के साथ पिछले 40 वर्षों से पारिवारिक रिश्ता बना रहा था। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज एक दूसरा रिश्ता आपके साथ जोड़ने जा रहा हूं और वो है एक राजनीतिक रिश्ता। साथियों, 1980 में इसी मैदान में मैं कांग्रेस का झंडा लेकर इसी मैदान में घूमता था और पिताजी का पहला चुनाव था और मैं कांग्रेस का झंडा लेकर घूमता था और कहता था वोट फॉर कांग्रेस। और आज किस्मत का करिश्मा है कि आज मैं आप सबके बीच में, आप सबके सामने लोकसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आपके सामने खड़ा हुआ हूं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मेरे परिवार को दिया है, इसीलिए आज आप सबके सामने आपको ये पिता पुत्र की जोड़ी दिखाई दे रही है।
ये मेरा सौभाग्य है कि कमलनाथ जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं छिंदवाड़ा की जो विकास की यात्रा है उसे एक नई गति प्रदान कर सकूं। मैं नौजवान हूं, मैं भले ही राजनीति में नया हूं, लेकिन ये मत भूलिए कि मेरा रिश्ता आप सबके साथ 40 साल पुराना है। आज इस मंच से मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यहां आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूं और ये बताने आया हूं कि आज से छिंदवाड़ा 1980 में कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा का विकास यात्रा का शुरू किया था और आज 2019 में हम छिंदवाड़ा का एक नया विकास यात्रा शुरू करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा आप सबके बीच में आपका सहयोगी बनकर रहूंगा। साथियों, आप लोगों ने 40 साल अपना प्यार और विश्वास कमलनाथ जी को दिया है और मुझे आप लोगों से पूरा विश्वास है कि आने वाले 29 तारीख को आप मुझे भी वही प्यार, वही आशीर्वाद और वही विश्वास देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे जय जय छिंदवाड़ा, जय जय छिंदवाड़ा, जय जय छिंदवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।